आप सभी को। मैं डॉक्टर प्रतिमा त्रिपाठी अविराम कॉलेज से आज आपके समक्ष बीएड सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी, उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले डिसेबिलिटी का हम अर्थ समझ लें। डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अयोग्यता। आज जो यहाँ पर लगा हुआ है वो उपसर्ग है। आ उपसर्ग के 6 अर्थ होते हैं। यहाँ पर आ जो है वो निषेधात्मक है, अर्थात योग्यता का अभाव ही अयोग्यता। तो लर्निंग डिसेबिलिटी से तात्पर्य क्या है? सीखने की योग्यता की जिसमें कमी पाई जाए, सीखने की योग्यता का जिसमें अभाव पाया जाए, वो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप्स कितने होते हैं? तो बहुत से टाइप्स होते हैं। कुछ बहुत माइनर हैं और कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जिसमें तमाम लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। उनमें वो लक्षण हमें आंशिक रूप से ही सही लेकिन दिखाई देते हैं, परिलक्षित होते हैं। तो कुछ प्रमुख लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे हमें मेन याद रखना है ये वर्ड लगा हुआ, कई लर्निंग डिसेबिलिटी जो है उसमें डिस लगा हुआ है, जैसे डिसलैक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसलैक्सिया और डिसग्राफिया, डिसप्रॉक्सिया। तो इनमें से हम बात करते हैं कुछ की। जैसे डिसलैक्सिया, ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। इस लर्निंग डिसेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं अपपठन। इसमें नाम से जैसे हिंदी में हमें पता चल रहा है डिसलेक्सिया में कि इसमें पढ़ने से संबंधित दोष होते हैं, पढ़ने से संबंधित योग्यता का अभाव होता है। नेक्स्ट है डिसकैल्कुलिया। याद रखना है डिस सबके आगे लगा हुआ है, अभी हमने क्या जाना, डिसलेक्सिया जिसको अपपठन कहते हैं, जो पढ़ने से संबंधित दोष है या विकार है। नेक्स्ट है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया जो है ये हमें या नाम से ही पता चल रहा है, कैलकुलिया, कैलकुलेशन से संबंधित, गणना से संबंधित ये दोष है। इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, 18 में हमें अगर 12 जोड़ना है तो सामान्य आदमी 8 और 2 जोड़ेगा, जब 8 2 10 तो शून्य लिखेगा, एक जो है वो हासिल चला जाएगा। लेकिन डिसकैलकुलिया के दोष से यदि कोई इस विकार से ग्रसित है तो वो 8 और 2 को जोड़कर 10, पूरा 10 यहाँ पर लिख देगा। तो ये डिसकैल्कुलिया है ये बीमारी। फिर बीमारी या ये अयोग्यता है, कुछ लोग बीमारी के रूप में भी इसको मानते हैं। और नेक्स्ट है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो है ये लेखन से संबंधित दोष होता है। डिसग्राफिया याद रखिए लेखन से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि हमें ये इस दोष में जो ग्रसित होते हैं उनको ये ज्ञात नहीं होता है कि कौन से वर्ड को कहाँ खत्म करना, कौन से सेंटेंस को कहाँ खत्म करना है, कहाँ हमें पैराग्राफ चेंज करने हैं, तब ये दोष होता है। नेक्स्ट है डिसप्रॉक्सिया। कौन सा है? डिसप्रॉक्सिया। इसमें सूक्ष्म कार्य नहीं कर पाता है बच्चा। जैसे मान लीजिए कि जूते के फीते बांधना, या उदाहरण लेते हैं हम इस पेन का, इस पेन को सही प्रकार से पकड़ने की क्षमता का अभाव भी डिसप्रॉक्सिया में हो सकता है। नेक्स्ट है ऑटिज्म। ऑटिज्म को हिंदी में बोलते हैं स्वलीनता, स्वयं में तल्लीनता, आत्मविमोह, स्वपरायणता। क्या बोलते हैं ऑटिज्म को? और यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत से स्टूडेंट ऑटिज्म को त्रुटिवश ऑप्टिज्म के नाम से बोलते हैं। नहीं, इसका नाम है ऑटिज्म और इसको हिंदी में स्वलीनता, स्वपरायणता, आत्मविमोह। इसमें क्या होता है, नाम से एकदम हिंदी में हमें स्पष्ट ज्ञात हो रहा है कि इसमें बच्चा जो है वो स्वयं में डूबा हुआ रहता है, स्वयं में खोया हुआ रहता है, लोगों से मिलने जुलने से कतराता है, फ्रेंड सर्किल का उसके पीयर ग्रुप का अभाव होता है। नेक्स्ट है एडीएच। एडीएच में ए फॉर अटेंशन, डी फॉर डेफिसिट, एच फॉर हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव इस सब पे थोड़ा ध्यान देंगे। और डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव का मतलब क्या होता है कि अत्यधिक। तो इस दोष में क्या होता है कि पोषक तत्वों की कमी के कारण याददाश्त की कमी हो जाती है, याददाश्त का अभाव होता है, थोड़ा सुस्तपना दिखता है। और ये दोष लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में प्रायः अधिकतर पाया जाता है। अब यहाँ ये इतनी लर्निंग डिसेबिलिटी, आप ये ना समझें कि यही इतनी है, लेकिन हमें चूंकि किसी कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो इतनी इनफ है, क्योंकि इसके हमें रीजंस भी देने होंगे तमाम चीज़ें, और इसमें देनी होगी कारण है, निवारण है। क्लासरूम में कैसे इन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अगर स्टूडेंट है तो कैसे क्लासरूम इंस्ट्रक्शन हम क्या चेंजेस लाएंगे और कैसे क्लासरूम इंस्ट्रक्शन देंगे। तो हमने अभी तक कितना क्या जाना, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसप्रोक्सिया, ऑटिज्म और
ADH डिसऑर्डर। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो कई तरह से हो सकती है, पढ़ने से संबंधित, लिखने से संबंधित, सुनने से संबंधित भी हो सकती है, और लिखने पढ़ने दोनों, लिखने पढ़ने सुनने तीनों, ऐसी भी कोई डिसेबिलिटी से ग्रसित बालक हो सकता है जिसको ये सारी डिसेबिलिटी, जिसके सारे के लक्षण एक साथ दिखें। परंतु यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखने योग्य है कि हम उन चीज़ों को डिसेबिलिटी में नहीं लेंगे। मान लीजिए किसी ने अशुद्ध उच्चारण किया और हमने उसको तब भी गलत लिख दिया, तो ये कोई डिसऑर्डर नहीं है। मान लीजिए कि किसी बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज उसको पीड़ा हो रही है और कक्षा में अवधान की कमी के कारण उसने कोई चीज़ गलत लिख दी, गलत समझ ली, गलत सुन ली, तो यहाँ पर